मिथुन राशि, यहाँ पर मिथुन राशि का स्वामी यहाँ पर बुध है, बुद्धि का कारक है। आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। यहाँ 15 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। 15 अप्रैल के बाद आपने जो भी काम लिए हैं, नए करने की भावना बनाई है, 15 अप्रैल के बाद ही आपको अनुकूल सफलता प्राप्त हो सकती है। 15 अप्रैल के बाद यहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध एकादश भाव में स्थित होंगे। एकादश भाव यहाँ पर आय भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से आय प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि नवम भाव में स्वराशि में विराजमान होगा। इस कारण से आपको जो पैसा रुका हुआ है वह पैसा आ सकता है। आप कहीं से भी पैसे को कमा सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है। यहाँ पर हम राहु को देखते हैं, 11 भाव में विराजमान है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको अपने कार्यस्थल में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको मैंने पहले ही कहा, आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि भी आपका यहाँ पर साथ दे रहा है, सूर्य, शुक्र और बुध भी आपका एकादश भाव में आपका साथ दे रहा है। क्योंकि सूर्य जब बुध के साथ बैठ जाता है, बुधादित्य योग बनाता है, राजयोग बनाता है। बुध है आपका स्वामी, तो आपको कुछ न कुछ आए तो देगा ही। आप अपने दिमाग से कहीं ना कहीं से पैसा कमाओगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, परिवार के लिए भी आप अच्छा साबित होंगे। और जो भी आप नए कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं, वह नया कार्य भी आपका प्लान में आ सकता है। जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने वालों के लिए भी कुछ अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा संदेश मिल सकता है। कुछ अच्छे कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं। जो भी तकलीफें आपके जीवन में आने वाली हैं 15 अप्रैल के पहले पहले, उस समय तक आप अपने मन में शांतिनाथ भगवान का नाम लेकर के शांति से यह समय निकालें। ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, इस मंत्र का जाप करें। पूरब दिशा में मुँह करके अपने इष्ट आराध्य को याद करें। प्रातःकाल इस प्रकार से हाथ बना करके पूरे मनोभाव के साथ ध्यान करें। गहरी श्वास लेकर के उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए इसके बाद फिर यहाँ पर हाथ लगा लें कि हमारी बुद्धि सही दिशा में चले। मैं एक अच्छे तरीके से अच्छा इंसान बन करके लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकूं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि मिले, मैं सत्कार्य कर सकूं, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए मैं अच्छा साबित हो सकूं, ऐसी भावना को याद में रखते हुए प्रातःकाल की बेला में आप प्रेयर करें, ध्यान करें। इसके बाद आप अपने कार्य की शुरुआत करेंगे, आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपको कुछ दान भी करना है तो आप मूंग का दान कर सकते हैं। किसी तीर्थ पर जाकर के आप संतों के आहार के लिए फ्रूट से दे सकते हैं। इस प्रकार का कार्य आपको करना चाहिए, आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो।